कहते हैं ना, दुनिया में जब जब अत्याचार बढ़ा है तब तब भगवान ने अपने भक्तों के लिए धरती में जन्म लिया है। युगों से बात चली आ रही है, भारत देश में कई भगवान साधु संत ने जन्म लिया और दुनिया को सही गलत में फर्क समझाया है। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। सभी समाज धर्म के भगवान पाप को खत्म करने के लिए इस धरती पर आए। राम, कृष्ण, यीशु ऐसे ही कुछ नाम हैं। ऐसे ही एक और भगवान इस धरती पर आए जिन्हें झूलेलाल नाम से जाना जाता है। इन्हें सिंधी जाति का ईष्ट देव कहा जाता है। ये हिंदू जाति के भगवान वरुण का अवतार है जिनका जन्म 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। कुछ लोग इन्हें सूफी संत भी बोला करते हैं जिन्हें मुस्लिम भी काफी पूजते थे। कुछ लोग इन्हें जल देव का अवतार मानते थे। सिंधु घाटी की सबसे पहली और पुरानी सभ्यता महोन जोड़दड़ी है। यही सिंध में ही झूलेलाल जी का जन्म हुआ था। उनके जन्म को आज भी सिंधी समाज और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में लोग झूलेलाल जयंती या चेटी चंद नाम से मनाते हैं। इस दिन से सिंधी समाज का नया वर्ष शुरू होता है जिसे वे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। झूलेलाल जी को उदेरो लाल भी कहते हैं। संस्कृत में इसका मतलब है कि जो पानी के करीब रहता है या पानी में तैरता है। बाल्यावस्था में उदयचंद को झूला बहुत पसंद था, वह उसी पर आराम करते थे। इसी के बाद उनका नाम झूलेलाल पड़ गया। उनकी माता देवती उन्हें प्यार से झुल्लन बुलाती थी। उनकी माता का देहांत छोटी उम्र में ही हो गया था जिसके बाद उनका पालन पोषण सौतेली माँ ने किया। क्योंकि भगवान झूलेलाल जी को जल और ज्योति का अवतार माना गया है, इसलिए काष्ठ का एक मंत्र बनाकर उसमें एक लोटी से जल और ज्योति प्रज्वलित की जाती है और इस मंदिर को श्रद्धालु चेटी चंड के दिन अपने सर पर उठाकर, जिसे बहिराणा साहब भी कहा जाता है, भगवान वरुण देव का स्तुति गान करते हैं और समाज का परंपरा नृत्य पेश करते हैं।